श्री कृष्णा, आज हम इतना बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 रूसी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि रूसी क्रांति के पहले के घटनाक्रम क्या है। आज हैं पेट्रोग्राद है जो की क्रांति। तो हमने पहला तो कहना था कि ये राजधानी का नाम है, क्या है राजधानी का नाम है, क्या है नाम है, जो क्योंकि पहले सेंट पीटर्सबर्ग थी और क्रांति की वजह से ये रूसी शब्द था, ये जर्मन शब्द था, इसलिए वहाँ के महारानी की वजह से इसको हटा दिया और नया शब्द लगाया। तो 1917 की सर्दियों में, 1917 की सर्दियों में है जो पेट्रोग्राद के हालात बहुत खराब हो गए, क्या हो गए हालात बहुत खराब हो गए, और वहाँ एक शहर की बसावट भी इस तरह से थी कि पता लगने लगा कि अमीर और गरीबों का क्या क्या है जो अलग अलग रहवास या भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती थी। तो नेवा नदी थी, यदि नेवा नदी थी, उस नेवा नदी के एक तरफ कौन सी तरफ, एक है जो नेवा नदी के बाएं दाएं तरफ तो मजदूरों और काम करने थे, क्या थे दाएं तरफ तो मजदूरों के मकान या क्वार्टर और कारखाने वालों के मकान थे। दूसरी तरफ बाएं तरफ है जो आलिशान फैशनेबल इलाका था, इलाका या कॉलोनिया थी, सरकारी भवन थे और विंटर पैलेस था, क्या था विंटर पैलेस भी वहीं था। तो इस तरह से शहर की बनावट भी स्पष्ट दिखाई देने लगी कि किस तरह से है जो दाएं और बाएं, एक मजदूरों का इलाका गरीब लोगों का, एक तरफ से सम्राट लोगों का इलाका था। फरवरी के अंत में आते आते इधर के इलाके में फरवरी में यहाँ पर खाद्यान्न की कमी हो गई, क्या होगी खाद्यान्न की कमी और खाद्य पदार्थों की कमी हो गई और कीमतें बढ़ गई हर साल से अधिक। इस बार ठंड भी अधिक थी, क्या थी इस बार ठंड भी ज्यादा पड़ रही थी। तो इस तरह से मजदूरों ने है जो और उधर है जो इलाकों में सब कुछ नॉर्मल था, तो अंत में जार ड्यूपॉन्ट को भंग करने की कोशिश में था, क्या था भंग करने की कोशिश में था। ड्यूमा वहां की संसद को कहते हैं, प्रतिनिधि संसद को कहते हैं, और जो जनप्रतिनिधि थे वो उसको बचाना चाहते थे, ड्यूमा को क्या करना चाहते थे बचाना चाह रहे थे। धीरे धीरे इनके बीच टकराव हो रहा था और 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। 22 फरवरी 17 को है जो एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। तालाबंदी का अर्थ क्या होता है, तालाबंदी का अर्थ होता है फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। तो इसी से है जो तालाबंदी से अगले दिन वहां पर मजदूरों ने है जो हड़ताल कर दी और अन्य 50 से अधिक फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी है जो हड़ताल में सहयोग किया। इस तरह से और इनमें से कई सारी औरतें महिलाओं ने भी क्रांति का नेतृत्व किया, क्या किया क्रांति का नेतृत्व किया। इसी वजह से जो इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब आंदोलनकारी हैं जो बस्तियों से निकलने लगे और राजधानी के बीचों बीच नेवेस्टी प्रोस्पेक्ट पर जमने शुरू हो गए। आंदोलनकारी जनता बस्तियों से निकलने लगे, ये जनता बस्ती थी, यहाँ से निकलकर शहर के बीचों बीच है जो नेवेस्टी
इलाकों का मजदूरों ने घेर लिया, जो फैशनेबल इलाके थे इन इलाकों को पास कॉलोनियों को फैशनेबल इलाका को घेर लिया, मजदूरों ने घेर लिया। इसी तरह से है जो कर्फ्यू लगा दिया, क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया, शासन की तरफ से कर्फ्यू लगा दिया गया। जब कर्फ्यू लगाया तो उस समय तो लोग एक बार तितर बितर हो गए, है जो इधर उधर हो गए, लेकिन अगले ही दिन है जो 24 और 25 फरवरी को वापस मजदूर इकट्ठा हो गए। क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। उसी आंदोलन कारण पुलिस ने और सरकार ने जो घुड़सवार लगाकर उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन 25 फरवरी को रविवार के दिन, कब, 25 फरवरी को रविवार के दिन जो वहां के जार ने युमा को बर्खास्त कर दिया, क्या कर दिया, युमा को बर्खास्त कर दिया, और राजनीतिक है जो बयानबाजी भी शुरू हो गई, क्या हो गई, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, यानी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध तो है जो शुरू कर दिया। 26 फरवरी को लोग बाएं तरफ इकट्ठा हुए, क्या हुए, 26 फरवरी को लोग बाएं तरफ जो शहर का इलाका था उस पर इकट्ठा हुए, इकट्ठा हो गए, और 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया, क्या कर दिया, 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय या तो पुलिस के पॉइंट थे वहां पर उन्होंने हमला करके पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। उन मजदूरों की मुख्य मांग थी रोटी, क्या थी, रोटी, तनख्वाह और काम के घंटे निश्चित करना, क्या करना, निश्चित करना, क्या करना, काम के घंटे निश्चित करना, ये इनकी मांग थी। इसी के साथ वो लोकतांत्रिक अधिकारों की है जो मांग कर रहे थे, लोकतांत्रिक अधिकारों की भी वो मांग दोहरा रहे थे। पुलिस में वापस घुड़सवारों को तैनात किया और उन पर है जो गोली चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्या कर दिया, पुलिस ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, और यहाँ तक कि क्योंकि उन्होंने मजदूर, उनको लगता था कि उनके साथी हैं, उनके भाई हैं, और जब पुलिस पर ऊपर से दबाव आया कि आपको इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, तो उन्होंने अपने ही अधिकारी को गोली मार दी, क्या कर दी, अधिकारी को गोली मार दी। इस तरह से पुलिस भी विद्रोह शुरू हो गया, क्या हो गया, पुलिस ने भी विद्रोह का एक तरफ से समर्थन शुरू कर दिया, और अधिकतर एनजीओ पुलिस वाले भी हड़तालियों से मिल गए। दूसरी तरफ अनेक पुलिस को देखकर दूसरी रेजिमेंटों ने भी है जो विरोध कर दिया, दूसरी रेजिमेंटों में भी विरोध बगावत शुरू हो गई। शाम को सैनिक और मजदूरों ने है जो एक साथ मिलकर एक परिषद का गठन किया, ये ध्यान योग्य देने हैं, शाम तक मजदूरों और पुलिस ने मिलकर एक परिषद का गठन किया जिसको सोवियत कहते हैं, क्या कहते हैं, सोवियत कहते हैं, जिसका अर्थ है परिषद का गठन कर दिया, और इसी परिषद का गठन बाद में जहाँ इस परिषद ने है जो वहाँ कब्जा कर दिया, क्या कर दिया, कब्जा कहाँ पर, जहाँ युमा
जुम्मा की बैठक होती थी, बैठने की जगह पर इन्होंने कब्जा कर लिया और इसी बैठक के साथ से नए पेट्रोग्राद, यहाँ नए पेट्रोग्राद सोवियत की स्थापना हुई। क्या हुई? पेट्रोग्राद सोवियत की स्थापना हुई थी। पेट्रोग्राद सोवियत की स्थापना हो गई थी और इसी के साथ है जो नई सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि सभा जहाँ से मिलने पहुंचे, जहाँ के कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो है जो गद्दी छोड़ दे। इसी तरह 2 मार्च को, कब? 2 मार्च को जार ने है जो गद्दी छोड़ दी। क्या तो ये गद्दी छोड़ दी और वहां पर जार साहिब का अंत हो गया। अब सोवियत परिषद ने और ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने मिलकर दोनों ने है जो अंतरिम सरकार बनाई। क्या बनाई? अंतरिम सरकार। क्या सरकार बनाई? अंतरिम सरकार का अर्थ होता है कि एक ऐसी सरकार जो वापस पुनः नई व्यवस्थाएं तब तक कार्य करें। वो अंतरिम सरकार बनाई और नई भविष्य के लिए, क्या भविष्य के लिए है जो संविधान सभा, क्या संविधान सभा का है जो तय कर लिया कि भविष्य का निर्माण हमारी संविधान सभा करेगी और संविधान सभा के लिए है जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव होने थे जिससे एक संविधान सभा बनेगी। तो अगला है जो हम किस तरह से संविधान सभा का गठन होगा, क्या नए अधिकार कानून मिलेंगे, ये है जो हम निपट रहे हैं। अगली बार है जो कल हम इसके आगे से लेने पड़ेंगे। धन्यवाद।